वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग अ ट्रिक। एक ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके हम लोग किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और उस ट्रिक से ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है और उसका स्क्वायर रूट होल में आएगा या डिसीमल में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 105625, इसका स्क्वायर रूट होगा 325। ये नंबर है 11025, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 105। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 5625। 75। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होल में नहीं आएगा। ये भी मैंने उसी ट्रिक का यूज़ करके पता लगाया, तो इसका स्क्वायर रूट होल में नहीं आएगा, डिसिमल में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रिक का यूज़ करके किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये नंबर है 10525, इसमें लास्ट में है 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसीलिए हम लोग बाहर लाएंगे। ठीक है, और ये नंबर, बाकी जो नंबर बचा 1056, ये दोनों कंसेक्यूटिव यानी लगातार आने वाले नंबर का प्रोडक्ट है। अब वो दोनों नंबर कौन है वो आपको माइंड में याद रखना है और वही नंबर यहाँ लिख देना है। 1056, 1056 ये प्रोडक्ट है 32 और 33 का, यानी 32 और 33 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1056। तो इसमें से जो, इस दोनों कंसेक्यूटिव नंबर में से जो फर्स्ट नंबर है यानी छोटा नंबर, उसको साथ में लिख देंगे 5 के, यानी दोनों नंबर मिलके बन जाएगा 325, यानी 325। तो इसीलिए इसका स्क्वायर रूट हो गया 325। 325 का स्क्वायर होगा 105625 और 105625 का स्क्वायर रूट होगा 325। अब इसी ट्रिक का यूज़ करके हम लोग इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 और 110 यानी 110, ये किस दो नंबर का प्रोडक्ट है कंसेक्यूटिव नंबर का? तो ये 10 और 11 का प्रोडक्ट है। 110 होता है 10 × 11, तो इसमें दोनों में से छोटा नंबर है 10, तो हम लोग लिखेंगे साथ में 10105, इसीलिए 11025 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 105 और इसका स्क्वायर होगा 11025। ठीक है, अब इसी ट्रिक को हम लोग इसमें भी यूज़ करके देखते हैं। 25 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 56 कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है? 7 और 8 का, 7 × 56, इसीलिए हम लोग इसमें से छोटा नंबर कौन है? 7 है, तो 7 साथ में लिख देंगे 75। ठीक है, तो ये 75 इसका स्क्वायर रूट होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 5625। अब ये नंबर है 9925। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम लोग इस ट्रिक का यूज़ करके ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो देखते हैं 9925। 25 तो 5 का स्क्वायर है, लेकिन 99 कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है? बिल्कुल नहीं, 9 × 11 होता है 99, 9 और 11 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, मतलब लगातार आने वाला नंबर नहीं है। 9 और 10 है, 10 और 11 है, तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसीलिए 9925 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता होल में, क्योंकि 9925 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका अगर स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो डिसिमल में आएगा।
ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर पे लागू होगा जिसके लास्ट में 25 होगा, ठीक है। कोई भी नंबर जिसके आखिर में 25 हो, 25 हो, उसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं इस ट्रिक का यूज़ करके, और पता भी लगा सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसका स्क्वायर रूट होल में आएगा या नहीं आएगा। तो यही एक ट्रिक था जो आप लोगों को बताना था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशंस इनेबल कर दें। ओके दोस्तों, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।